नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मृदुल सुंदेल। उत्तर भारत के कई राज्यों से ठंड का मौसम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से मौसम में जरूर कुछ बदलाव आया, लेकिन अब भी तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हालांकि आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में आज बर्फबारी हो सकती है। वहीं एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के 2 मार्च को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की पूरी संभावना है। इससे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मध्य बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा 2 और 3 मार्च को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 3 और 4 मार्च को तमिलनाडु पौंडेचेरी में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में ठंड बरकरार है। सुबह और शाम के समय ठंड महसूस हो रही है। देहरादून में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोपहर में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। जम्मू में आज के मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यूपी के लखनऊ का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दोपहर के समय आसमान में धूप खिली रहेगी। मुंबई की बात करें तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बिहार में नमी युक्त पछुआ हवा से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मेघ गरजने के साथ हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। वहीं अगले 24 घंटे में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान अधिकतर जिलों में 27 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रह सकता है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस पूरे सप्ताह बादल छाए रहेंगे। केवल आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं 2 मार्च को बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक और पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। इससे उत्तरी और पश्चिमी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के प्रभावित होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जनवरी महीने के अंत से लेकर अब तक मौसम कई बार करवट बदल चुका है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवा भी चल सकती है। दूसरी तरफ तापमान में बढ़ोतरी जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।